हमेशा से मेरा मन था कि मैं एक बार आईफिल टावर ज़रूर देखने जाऊंगा, और आज ये मेरा जो ख्वाहिश है वो पूरा हो रहा है, और वो भी अपने खुद के बाइक पे राइड करते हुए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल दी आर आर जी। और ठीक हमारे सामने बंगाल का आन बान और शान तो फेमस विश्व बांग्ला गेट, जो कि बनाया गया है टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए, विच इज़ अ ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। और साथ में इसमें फैंसी रेस्टोरेंट भी है, तो एनीबडी कमिंग टू बंगाल और एनीबडी फ्रॉम बंगाल कोलकाता मस्ट विजिट द विश्व बांग्ला गेट ऑफ कोलकाता। आप पर क्लोज उसका व्यू देते हैं, पीछे का मस्त आर्किटेक्चर उसको बनाया गया है बहुत ही सोच समझ के प्लान करके। आप आइए नीचे, यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट खरीदिए, यहाँ से लिफ्ट पकड़िए, ऊपर जाइए, खाना खाइए, इंजॉय कीजिए। सिग्नल ग्रीन है, मैं चल दिया। यह है न्यू टाउन मोड़, और यहाँ से हम चलेंगे टूवर्ड्स एयरपोर्ट स्ट्रेट। क्योंकि एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तभी तो हमको मिलेगा ना हमारा आईफिल टावर पेरिस का। कुछ भी बोलो पर न्यू टाउन तो बहुत गजब का सुंदर बनाया जा रहा है, मतलब बंगाल का लुक तो अलग लेवल पे ले जा रहा है। देखो तो ये तो प्लेस है आईफिल टावर, ये बेसिकली इको पार्क जो है इसके साइड में। तो आपको क्या करना, वेस्टर्न क्रॉस करने के पास जो दूसरा वाला सिग्नल है आपको वहाँ से ले लेना है लेफ्ट साइड में, गेट नंबर वन जो है इको पार्क है वहाँ से आपको घुस जाना है। और देखो सामने पूरा चमकता हुआ आईफिल टावर हमें दिख भी रहा है, पूरे से इतना बड़ा पार्किंग एरिया है। और मेरे राइट साइड में पूरा इको पार्क है, वो यहाँ खेलते हुए खेलने का मैदान भी है, और मेरे सामने है चमकता हुआ आईफिल टावर। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the work. Ladies and gentlemen, boys and girls, presenting to you Eiffel Tower. Some trivia time. और मेरे पीछे जो Eiffel Tower है इसको बनाया गया था 27 नवंबर 2015 में, इसको बनाना स्टार्ट किया गया था 1887 में, और ये बन के कम्प्लीट हुआ था 31 मार्च 1889 में। ओरिजिनल वाले को बनाने में लगा था 7300 टन स्टील का, इस वाले को बनाने में लगा 300 टन स्टील। इको पार्क वाले का हाइट है 180 फीट और ओरिजिनल वाले का हाइट है 1083 फीट। दिस इज़ ए नाइस प्लेस, ये बहुत खूबसूरत सा जगह है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो, चिल कर सकते हो, इस मॉन्यूमेंट का आप मज़े ले सकते हो। बगल में यू कैन सी मल्टीपल रेस्टोरेंट्स और ओपन ढाबा आर देयर, जहाँ आप खाना खा सकते हो। मेरे पीछे में ये जो एरिया आपको दिख रहा है एंटायर इको पार्क, तो इको पार्क के अंदर भी यहाँ से आप जा सकते हो घूमते हुए। ये पूरा लेक साइड एरिया है, बहुत बढ़िया हवा चल रहा है, पूरा चिल एटमोसफियर है। बाय बाय टू आईफिल टावर। तो देखो क्या खूबसूरत, कितने लोग यहाँ पे आते हैं चिल करने के लिए। यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क भी है बच्चों के लिए, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये चिल्ड्रंस पार्क। आप बच्चों के साथ भी आओगे तो बच्चों को ही मजा आएगा, बहुत सारे कपल्स आते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस टू हैंग आउट इस गर्मी के टाइम में, अगर सिर्फ 20 रुपये का बाइक पार्किंग देखे या 150 का कार पार्किंग देखे, कितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। तो वाई नो संडे इवनिंग सैटरडे इवनिंग के लिए पार्टी करने जाते हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे आकर चिल करो।
ये एरिया जो है दिस एंटायर एरिया इज़ अ पार्ट दिस एंटायर एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ इको पार्क। ये इको पार्क का ही पार्ट है। ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में। जनरली 90% जो क्राउड है वो इको पार्क में आती है, इको पार्क घूम के दे जनरली गो आउट ऑफ अदर गेट। और ये बैक साइड बहुत ज़्यादा ही कम लोग यूज़ करते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ आने के लिए आपके पास प्राइवेट व्हीकल, बाइक, स्कूटी या फिर कार होना चाहिए। पैदल आप आ सकते हो पर आपको काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी तरह का पब्लिक व्हीकल्स रोड पे नहीं अभी तक। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई दिस प्लेस इज नॉट दैट मच क्राउडेड। क्राउड बहुत लिमिटेड है। व्होएवर स्टेज इन कोलकाता आई रिकमेंड ऑल ऑफ देम कि एक बार आओ, एक बार आप आओ इस जगह को विजिट करो। यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस प्लेस, अ ब्यूटिफुल हैंग आउट प्लेस। पीपल आर प्लेइंग होली, नाइस। कपल्स जो है अपने में एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। खूबसूरत सा कुछ बनाया है बैठने के लिए, मतलब इस रोड का कहना ही क्या है, मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है कोलकाता के अंदर। मतलब मैंने ये चीज़ सोचा था कि इन द हार्ट ऑफ द टाउन मुझे इस तरीके का एक जगह मिलेगा। ये मुझे कुछ मतलब एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ये कुछ अलग ही लेवल का दिल खुश कर दे रही है। मतलब जैसा वेदर, हल्का सा हवा चल रहा है और ऐसा रास्ता, ऐसा व्यू, ऐसा सीनिक व्यू। तो देखिए हरी नालय, मतलब यहाँ डियर पार्क भी है इस साइड में। तो फाइनली वी आर कमिंग आउट ऑफ इको पार्क। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों, फैमिली, सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। एंड टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। सो प्लीज सब सर 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 वट एवर।